नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर, पर्यटन स्थलों को लेकर जो है बिहार सरकार हेलीकॉप्टर सेवा बहाल करने पर विचार कर रही है। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बिहार में कई स्थानों पर पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है, साथ ही साथ जो हमारी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है उसे भी एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे कि हम अपने अतीत को जान सकें। इसी कड़ी में बिहार में रामायण सर्किट के तहत बिहार के कई स्थानों को एक साथ जोड़ने की योजना पर काम चल रही है। रामायण सर्किट के साथ साथ बिहार में बौद्ध सर्किट को भी जोड़ने का काम चल रहा है, जिससे कि पर्यटक एक जगह से दूसरे जगह पर उन्हें पहुँचने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो और उन्हें जो है जानकारियाँ आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। इन सर्किट को जोड़ने को लेकर अब हेलीकॉप्टर सेवा की भी शुरुआत होने वाली है, जिससे कि पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि बिहार में उड़ान सेवा के तहत हेलीकॉप्टर को उड़ाने की बात कही जा रही है, जिसमें बिहार के कई जिलों को एक साथ जोड़ने की बात कही गई है। इस कड़ी में सबसे पहले वैशाली को हेलीकॉप्टर के साथ जोड़ा जाएगा, यानी कि उड़ान योजना के तहत जो है पटना से वैशाली को जोड़ा जाएगा। इसको लेकर पर्यटन मंत्रालय के एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आर्थिक सहायता की जाएगी। ऐसे में अब आपके मन में यह चल रहा होगा कि आखिर यह हेलीकॉप्टर सेवा बिहार के किन किन जिलों में चलेगी। तो यह हेलीकॉप्टर सेवा बिहार के वैशाली, पटना, गया, राजगीर के साथ साथ बोधगया और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और वाराणसी को जोड़ेगी। इस योजना को लेकर बैंक की तरफ से बिहार के संबंधित विभागों से बात किया गया, साथ ही साथ इस कार्य में लगे संबंधित एजेंसियों की तरफ से भी दोनों के बीच में बातचीत हुई है। बता दें कि बिहार सरकार की रिवाइवल ऑफ इंडिया एज ए ग्लोबल सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर एंड टूरिज्म एजेंडे का हिस्सा है। इसको लेकर अभी बैंक और विभाग के साथ एक और बैठक होनी है, इसके बाद यह प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। ADB बैंक ने भारत के डायरेक्टर से कहा है कि प्रदेश के बौद्ध सर्किट से जुड़ने वाले स्थानों के जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक हो, जिससे कि यह पता चल सके कि वर्तमान में कितने कार्य हुए हैं और कितने और कार्य होने हैं, जिसके तहत आने वाले जिलों में वैशाली, पटना, गया और नालंदा के साथ साथ मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और भागलपुर के जिलाधिकारियों को इसमें शामिल करने की बात कही गई है। इधर वैशाली की जिलाधिकारी ने बताया कि बौद्ध सर्किट को लेकर उन्होंने कितना काम किया है। आपको बता दें कि वैशाली के 75 एकड़ की जमीन में राष्ट्रीय बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 550 करोड़ रुपये बताई गई है। कहा जा रहा है कि इस संग्रहालय के बन जाने के बाद से यहाँ पर भगवान बुद्ध के अस्थि कलश रखी जाएगी, इसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑडिटोरियम और एक ध्यान केंद्र बनाया जाएगा, साथ ही यहाँ पर खुदाई के समय मिले अवशेषों को भी रखा जाएगा। ऐसे में अगर बौद्ध सर्किट बन जाता है तो पर्यटक अब हेलीकॉप्टर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ सकते हैं, जा सकते हैं। बुद्ध सर्किट, हमने पहले ही कहा कि बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट को बिहार में जोड़ने की बात कही जा रही है, जिसमें कि बुद्ध सर्किट के तहत बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके जो बिहार से सटते हैं उनको जो है जोड़ने की बात कही गई, जिसमें कुशीनगर और वाराणसी का जिक्र किया गया। इसमें बिहार के कई अलग अलग ऐसे स्थान जहाँ भगवान बुद्ध के पैर पड़े हैं और उन स्थानों को जो है बिहार सरकार जोड़कर पर्यटन को विकसित करने की बात कह रही है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।